What's up everyone, welcome back to the channel. Statistics 5 chapters आप लोग complete कर चुके already. Chapter number 6 से हमारे पास अब जो आने वाले 2-3 chapters हैं वो सब graphical presentation के ऊपर है कि कैसे bar diagram बनता है, कैसे pie diagram बनता है, कैसे histogram बनता है, कैसे polygon बनता है, कैसे हम लोग अलग अलग diagrams के through stats को present करते हैं. तो अब भाई क्रिएटिविटी की बारी आ चुकी है, अब तुम लोगों को अपनी ड्राइंग्स दिखानी है, कितना साफ सफाई से बनाते हो ये शो करना है. तो चलो, जहां हमने इतना सारा थ्योरी पोर्शन देख लिया, अब डायग्राम्स भी बना लेते हैं, फिर मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे हम लोग फॉर्मूलाज की तरफ, जो कि मीन, मीडियन, मोड, ETC. चलो फिर आज शुरू करते हैं हम लोग द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 6. लेट्स बिगिन. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर वो आपके माइंड में क्लैरिटी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा चीजों को पढ़ने में. तो देखो, चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है चैप्टर नंबर 6. 5 चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखे तो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. चैप्टर नंबर 6 है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसका नाम है बार एंड पाई डायग्राम्स. अब देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 3 तरीके की डायग्राम्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स और एरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स, जिनको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी बोल देते हैं. इनको हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं. तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड हमारे 3 चैप्टर्स बने हुए हैं. ये हमारा चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 8. तो आने वाली 3 वीडियोज में, और माइट बी, इट मे बी पॉसिबल कि एक चैप्टर की 2 वीडियोज भी आए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर्स बड़े भी हैं. तो आने वाली वीडियोज में 6, 7, 8 चैप्टर में हम लोग ये डायग्रामेटिक फॉर्म ही पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हमारा नंबर आएगा बेसिक एक्चुअल, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस के. तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये चैप्टर है हमारा, ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें कि मेजर फोकस रहने वाला है बार डायग्राम पे. और पाई डायग्राम तो बहुत आसान होता है, उसमें एज सच कुछ नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा बनाना है. तो ये चीज समझ में आई, 6 चैप्टर ये करेंगे, 7 ये करेंगे, 8 ये करेंगे. अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 और देखते हैं कि इस चैप्टर में ज्योमेट्रिक फॉर्म में बार डायग्राम कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं. चलो जी शुरू करें, इसको हटा दूं, चलो भाई हो जाए एकदम से न्यू स्लाइड. डेटा को प्रेजेंट करने का जो सबसे पहला तरीका होता है ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, वो होता है बार डायग्राम्स. अब देखो, बार का मतलब क्या होता है, बार होते हैं रेक्टेंगल्स. तो अलग अलग रेक्टेंगल्स की मदद से हम इनको दिखाने की कोशिश करेंगे. अब कितने तरीके के हो सकते हैं, 5 टाइप्स. सिंपल बार डायग्राम्स, उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम्स, फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स और डिविएशन बार डायग्राम्स. ये हम लोग मेनली आज सीखने वाले हैं, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड, परसेंटेज और डिविएशन बार डायग्राम्स. एक मैंने क्वेश्चन लिया है, स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ और मार्क्स लिए हैं ये. अब मुझे इसको सिंपल बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है. तो सिंपल बार डायग्राम भी 2 तरीके का हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. जनरली ये वर्टिकल होते हैं जनरली, लेकिन अगर आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी इनको बना सकते हो. अब अगर इन्हें मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो 2 एक्सिस होती है हमारे पास मेनली, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारी वाई एक्सिस. इधर आप लोग स्टूडेंट्स ले लो, ए बी सी डी ई और एफ. ये ध्यान रखना इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. और अब रेक्टेंगल्स की फॉर्म में हमें बनाने हैं, आप तो स्केल से प्रॉपर बनाना. मार्क्स ये मुझे लेना है, जैसे ये 300 तक है तो मैं डिस्टेंस लगभग इतना लेके 50 100 150 200 250, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा और बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे. ये ले लिया हमने 300, इसको y ले लिया, ठीक है. अब देखो a के कितने मार्क्स हैं, a के हैं 50 मार्क्स, तो इसको यहाँ तक लाओ, बस यहाँ तक लाओ और इस तरीके से छोड़ दो. ये बन गया a के लिए, ठीक है. इसके बाद अगर आपको b का बनाना है तो b के 100 मार्क्स हैं, बीच में स्पेस देना है, ध्यान रखना स्पेस देना है. अगर स्पेस नहीं दिया तो फिर वो हिस्टोग्राम बन जाएगा, जो कि अगले चैप्टर में सीखेंगे. फिलहाल स्पेस देना है. b के कितने मार्क्स हैं, 100, तो 100 के सामने इस तरीके से ये देखो,
ये जो बार्स हैं इनकी विड्थ इक्वल रखनी है, ध्यान रखना, और इनके बीच का स्पेस भी इक्वल रखना है। यानी कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दिया, यहाँ बहुत सारा स्पेस दे दिया, गलत हो जाएगा। इक्वल स्पेस देके प्रॉपरली स्केल के साथ अच्छे से बनाना। सी का कितना है 150, सी का है 150, तो यहाँ से हम लोग लगभग यहाँ तक इस तरीके से ये सी बन गया। डी का 200 लगभग यहाँ इस तरीके से, ये आपने डी के लिए बना दिया। ई का 250 तो ऑलमोस्ट हेयर, ये आपने ई के लिए बना दिया। और एफ के लिए थोड़ी सी स्पेस मुझे और चाहिए, एफ का हमारे पास है 300, तो ये हम एफ के लिए बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इनको क्रिएटिव बनाने के लिए आप लोग अगर चाहो तो इनके अंदर अलग अलग शेड्स कर सकते हो, अलग अलग कलर्स कर सकते हो, वो अलाउड होता है, वो आप कर सकते हो टू मेक इट मोर क्रिएटिव। ठीक हो गया। अब अगर आपको लिखना हो उसके ऊपर तो लिख दो, ये 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250 और ये 300। ये कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास द वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम। इसी फॉर्म में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर इसी को हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो कोई बात नहीं भाई, इसी को हॉरिजॉन्टल बना देंगे हम। हमने तो यही करना है ना, हम लोग क्या करेंगे अब, इस बार एक्स ओरिजिन वाई, इस बार इन्हें रिवर्स कर दो बस। इधर ले लो ए बी सी डी ई और एफ, और इधर मार्क्स ले लो 50, 100, 150, 200, 250, 300। बस रिवर्स कर दो। ए के मार्क्स कितने हैं 50, तो इस बार ए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बी के 100 है, बी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सी 150 है, सी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये 150 पे आ गया। डी 200, तो इधर ले जाओ, ये 200 बन गया। ई 250, ये 250 हो गया। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बन रहा है या नहीं बन रहा है, सीधा सीधा इस तरीके से, ठीक है। और F 300, F आ गया हमारा 300। इस तरीके से जब आपने इसको प्रेजेंट करा तो ये आपका बन गया हॉरिजॉन्टल। 50, 100, 150, 200, 250, 300। ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो सिंपल बार डायग्राम्स को, ये आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? एक एग्जांपल से मैंने दोनों बता दिए। बस ध्यान रखना है कि जो बीच का डिस्टेंस है वो बराबर हो बार्स के, और आप अच्छे से इसको डेकोरेट करके दिखाओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये हो जाते हैं हमारे पास सिंपल बार डायग्राम्स। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं। अब आता है हमारे पास ये मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स कब बनते हैं? मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा चीजें। तो मल्टीपल में आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हो, आप किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हो मल्टीपल बार डायग्राम्स में। जैसे यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट को, कि कितना बर्थ रेट है कितना डेथ रेट है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, और ये ईयर लिया हुआ है। तो अगर इसको प्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा मैं? मैंने क्या बोला आपको कि बार डायग्राम्स जनरली हम लोग वर्टिकल ही बनाएंगे, ठीक है? तो आप हॉरिजॉन्टल नहीं बनाओगे, हमेशा इसको वर्टिकल ही बनाना है। तो मैं इधर ईयर ले रहा हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80। हम लोग बेसिकली 1931 से 1980 तक के बर्थ रेट और डेथ रेट को कंपेयर कर रहे हैं। इधर हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट ले लेंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट प्लीज यूज फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग यूज नहीं करोगे, आपके पेपर है, मेरे नहीं है, मैं समझाने के लिए कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमारा मैक्सिमम 45 तक जा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। चलो अब मैं बर्थ रेट के लिए ब्लैक पेन यूज करूंगा और डेथ रेट के लिए ब्लू पेन यूज करूंगा, तभी तो अलग अलग दिखेगा। तो बर्थ रेट हमारे पास है 31 से 40 में 46, 46 तक मुझे जाना है, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, ऑलमोस्ट यहाँ होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे 31 से 40 का हाफ लिया, जस्ट हाफ, क्योंकि मुझे 31 से 40 में अभी डेथ रेट भी दिखाना है। तो इसके बाद में डेथ रेट है 36, तो 36 ऑलमोस्ट यहाँ है, तो इसी के अंदर अंदर ये देखो इस तरीके से। अब ये मैंने इसको मैंने ब्लू से शेड कर दिया,
और इसको मैं कर दूंगा ब्लैक से, देखो। तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग दिखा सकते हैं। ब्लैक से जो मैंने करा उसको मैं रखूंगा बर्थ रेट, ये मेरा ब्लैक पेन हो गया, ठीक है। और जो मैंने ब्लू लिया है इसको मैं लिखूंगा डेथ रेट, ये मेरा ब्लू पेन हो गया। आप अगर चाहो तो लाइंस एक इधर कर सकते हो, एक में सर्कल कर सकते हो, वो डिजाइन बनाते थे ना आप लोग छोटी क्लासेस में, वही है। अच्छा, 41 से 50 में बर्थ रेट कितना है? 45 बर्थ रेट है। तो इस तरीके से ये फिर से जस्ट हाफ, उसके बाद रिमेनिंग हाफ डेथ रेट के लिए 31 यानी कि ऑलमोस्ट इधर, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब अगले में बर्थ रेट कितना? 40 यानी ऑलमोस्ट हल्का सा इससे नीचे होगा, ये हमने बर्थ रेट ले लिया। और डेथ रेट कितना है? 27 ऑलमोस्ट इधर, ये हमने डेथ रेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद 61 से 70 में बर्थ रेट 42 40 से हल्का सा ऊपर जाएगा 42 और डेथ रेट कितना है? डेथ रेट है 23 तो ऑलमोस्ट इधर होगा, डेथ रेट आ गया 23। उसके बाद लास्ट में बर्थ रेट 41 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सारे, 42 से थोड़ा सा नीचे होगा बस 41 और हमारा ये डेथ रेट है 19। पहले इसको मैं ब्लैक कर दूं सबको, डेथ रेट आ गया हमारे पास 19 मतलब 20 से थोड़ा सा कम, इस तरीके से। ये हो गया हमारा ईयर। तो इस तरीके से जब हमारे पास बार डायग्राम्स बनते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करते हैं, इसमें हम थ्री भी हो सकते थे, अगर बर्थ रेट, डेथ रेट और लिटरेसी रेट एक और हो जाता तो वो भी मैं यहाँ पे फिर तीसरा भी बना लेता। तो इन डायग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम्स। आगे चलते हैं और अब देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली द सब डिवाइडेड डायग्राम्स। ये समझे ना सब लोग, बहुत सिंपल है, बस एक से ज़्यादा होंगे इसके अंदर। ध्यान रखना डिस्टेंस सेम होना चाहिए और ये इक्वल ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई बड़ा बार कोई छोटा बार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड नाम में ही है, सब डिवाइडेड यानी वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। बार डायग्राम एक ही होगा लेकिन उसके पार्ट्स एक से ज़्यादा होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और एक टोटल दिया है कि हाइड्रो से इतना, थर्मल से इतना, टोटल प्रोडक्शन इतना 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 इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है 13, 14, 15, 16, 17। अब अगर आपको इसका बार डायग्राम बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? देखो ये मैंने ले लिया डायग्राम, इधर एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस फिर से वर्टिकल बनाना है, तो इधर मैं ईयर लूंगा 13, 14, 15, 16, 17। ये मैंने ईयर ले लिया। अब हाइड्रो और थर्मल, अब देखो मुझे मैक्सिमम कहाँ तक जाना है एक बार डायग्राम में, ये दोनों मैंने इंक्लूड करने हैं, ये सब डिवाइडेड है, एक के दो पार्ट्स होंगे या तीन पार्ट्स हो सकते हैं। मुझे मैक्सिमम 110, 120, 130, 140 तक जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 50 का डिफरेंस लेता हूँ, 50, 100, 150, 200। अब कैसे बनाएंगे हम? आपको क्या करना है सब डिवाइडेड में, बस टोटल का डायग्राम बनाओ पहले, टोटल का। तो हमारे पास देखो 13, 14 में 110 है, तो 13, 14 में 110 यानी कि बस ये यहीं तक होगा, ये बना दिया मैंने 13, 14 का 110। उसके बाद 121 है 14, 15 में 121, तो ये इससे ऊपर ले लो बस 121 इस तरीके से। फिर 130 ये इससे भी थोड़ा सा ऊपर ले लो, और फिर 140 ये इससे भी थोड़ा सा ऊपर ले लो, हमारा तो 150 से भी ऊपर चला गया ये, कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगे इसको, हम इन्हें सही कर देंगे, पॉइंट्स थोड़े से ठीक कर रहा हूँ मैं, यहाँ लेता हूँ 50, यहाँ 100, यहाँ लेते हैं 150 और यहाँ लेते हैं 200। आप लोग प्रॉपरली प्लॉट करना ना स्केल पेपर पे बढ़िया तरीके से, तो आपका बिल्कुल सही आएगा।
इस तरीके से मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है, ये है 110, ये है 121, ये है 130 और ये है 140। अब हम लोगों को इसको सब डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन बहुत आसान है, पहला 46 है ना, तो बस 46 पे एक डिवाइड कर दो। 46 लगभग यहाँ होगा, लो जी इसको मैंने 46 लिख दिया। अगर ये मेरा 46 हुआ, इसको अंदर लिख दो, यहाँ ऊपर लिख के थोड़ा इम्पैक्ट सही नहीं आएगा। अगर ये मेरा 46 हुआ तो अगला 64 ही होगा, तभी 110 होगा। बस डिवीजन करना है, पहला 46 हो गया, दूसरा 64, दूसरे में 49 है तो लगभग यहाँ, तो ये 49 होगा तो ऊपर वाला 72 होगा, ठीक है। 48, 82, ये 48 है तो लगभग यहाँ होगा ये 48, तो ये होगा 82। उसके बाद अगले वाले का डिवीजन करना है, 51, 89 तो लगभग ये 51 और ये होगा 89। इस तरीके से आपको बस डिवीजन करना है। चाहो तो आप अलग अलग कलर्स कर दो, इस तरीके से इधर ब्लू कर दो ऊपर वाले पार्ट में और नीचे ब्लैक कर दो, ये अलग अलग कलर्स कर सकते हो। तो यहां दिखा देना, ये जो ब्लैक करा नीचे वाला कौन सा, हाइड्रो, हाइड्रो में हमने क्या कर दिया यहां पे ऐसे ब्लैक कलर, और थर्मल, थर्मल में हमने करा ऐसे ब्लू कलर। ये होते हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, थर्मल और हाइड्रो इधर लिख देना। सब डिवाइडेड का मतलब क्या कि एक के अंदर दो, एक के दो पार्ट्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अगर तीन होते तो हम उसको भी डिवाइड कर देते। बस टोटल को प्लॉट करना है, टोटल को प्लॉट करो, टोटल प्लॉट करने के बाद उसके पार्ट्स कर दो, उसको डिवीजन कर दो, उसी को क्या बोलेंगे, सब डिवाइडेड। अब सब डिवाइडेड और परसेंटेज लगभग मिलते जुलते होते हैं, सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज बिल्कुल कॉमन होते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं परसेंटेज यही बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, दोनों हम एक साथ देख भी पाए कि क्या डिफरेंस है परसेंटेज में और सब डिवाइडेड में। तो आओ चलो आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ। अब सभी लोग बहुत ध्यान से समझना क्योंकि परसेंटेज में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पहली बात माइंड में रखना, परसेंटेज बार डायग्राम में आपको हमेशा परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ऑलवेज। गिवन ना हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे हमें 10, 11 और 11, 12 दो साल का जीडीपी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप प्रोडक्शन मान लो, प्रोडक्शन दिया है इतना इतना इतना, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर ने इतना प्रोड्यूस करा था 10-11 में, 11-12 में इतना करा फाइनेंशियल ईयर में, सेकेंडरी सेक्टर ने इतना इतना करा, टर्शरी सेक्टर ने इतना इतना करा। आप हमेशा सबसे पहले परसेंटेज निकालोगे, हमेशा, ऑलवेज। तो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ पहले, ये हमारा हो गया परसेंटेज 10-11 का और यहाँ पे 11-12 का। परसेंटेज कैसे निकलेगा कि कितना परसेंट, टोटल का कितना परसेंट, देखो 8 लाख और टोटल है 40 लाख, तो टोटल अगर 40 लाख है तो 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 20%, यानी प्राइमरी सेक्टर टोटल में 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 12 लाख अपॉन 40 लाख, 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है 50%, ये हमारा टोटल कितना हो गया 100%। ये हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करोगी इधर 11-12 में, 11-12 में हमारे पास कितना कितना हो जाता है, 11-12 में हमारे पास 850 अपॉन 60 लाख, ये आ रहा है 14.16%, 1350 अपॉन 16 लाख, 22.5%, और 38 लाख अपॉन 60 लाख ये आ जाता है 63.33%। ये टोटल हमारा 100% में आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, तभी प्लॉट कर पाओगे अगर क्यूमुलेटिव निकालना आया 10-11 और 11-12। जैसे CF निकालते हो ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसे ही क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना होता है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या, पहले 10-11 का ले लो, पहला वाला सेम 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 और 50 कितना हो गया 100, खत्म। इसका टोटल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये इसमें ये प्लस करो फिर प्लस कर दो, 20 प्लस 30 50 प्लस 50 100। अब यहां देखो 14.16%,
14.16 में 22.5 जोड़ोगे तो 14.16 प्लस 22.5 36.66 में 63.33 ऐड करेंगे प्लस 63.33 ये ऐड करोगे तो पूरा ये 100 आ जाएगा। 63.34 कर लो इसको जिससे पूरा 100 आ जाए, 63.34 पूरा 100% आ गया। परसेंटेज बार डायग्राम कभी भी 100 क्रॉस नहीं करेगा, वो हमेशा 100 पे आके रुक जाएगा, जबकि सब डिवाइडेड 100 से भी ऊपर जाता है। ये मेन डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। देखो अब इसे प्लॉट करते हैं, इसको अगर प्लॉट करें तो हमारे पास x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस, तीन सेक्टर हैं बस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आपको बस सीधा सीधा प्लॉट करना है। तो यहाँ लिखूंगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इधर हम लोग कितना डिफरेंस लें, डिफरेंस कितना लें, कोई भी डिफरेंस आप ले सकते हो यहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत ना, इजीली समझ में आ जाए। 30 ले लूँ, 30, 60, 90, 120। देखो अब मुझे प्लॉट करना है ना, तो मैं इसको प्लॉट करूँगा। पहला प्राइमरी सेक्टर का है 20%, हम लोग को इधर ईयर लेने हैं, ईयर हम लोग को 2 साल का ही तो है, 10, 11 और 11, 12। प्राइमरी सेक्टर आया 20, तो 30 से थोड़ा सा कम होगा, बस ये इतना, ये आ गया आपका प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का टोटल 50 पे जाना है, 20 के बाद आपका टोटल 50 तक जाना है, ये सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आपको 100 तक जाना है, ये आपका टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो यानी मैक्सिमम जो परसेंटेज बार डायग्राम जाएगा वो 100 तक जाएगा, और अगर आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो उसके अंदर, 20%, अगला 30% और अगला 50%। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 100। समझे क्या? इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है द परसेंटेज बार डायग्राम। अच्छा, और आगे अगर चलूँ मैं तो फिर से अगर हम देखें तो पहला 14.16 तो लगभग यहाँ ये आ गया 14.16, फिर 36.66 तक जाना है, अगला वाला हमें कहाँ तक जाना है, 36.66, तो ये यहाँ कहीं होगा इस तरीके से। ये है कितना, 22.5। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 14 फिर उसके ऊपर और 22, तो 36 तक जाओगे ना, उसके बाद 100 तक जाना है, 100 तक पूरा यहाँ। ये है कितना, 63.34, ये पूरा 100 आ गया। इस तरीके से आपको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो ये 100 क्रॉस भी कर जाता है और ये अलग अलग होता है कि ये 4664 तो 4664 ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्यूमुलेटिव को प्लॉट करना है, 20 के बाद 50 के बाद 100, इस तरीके से ये दिखाने होते हैं। ये हमारे हो जाते हैं द परसेंटेज बार डायग्राम। लास्ट देखते हैं, वो है डेविएशन बार डायग्राम। अब लास्ट होता है हमारे पास द डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन का मतलब होता है कि ये डेविएट करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये अकेला ऐसा बार डायग्राम है जो नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चन लिया मैंने, ईयर है, सेविंग्स एंड डेफिसिट है। सेविंग्स का मतलब कि मैंने पैसा बचाया है, डेफिसिट का मतलब मैंने पिछला पैसा भी यूज करा है, तो नेगेटिव में जाएगा। तो देखो इसको प्लॉट करोगे ना कभी भी तो हमेशा एक्सिस इस तरीके से लिख के और यहाँ बीच में से शुरू करना, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली और ये वाई एक्सिस नेगेटिव वाली। अब क्या हो रहा है, 2012 में 30 है देखो, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये 10 का ही डिफरेंस ले लेते हैं, तो इधर 10, 20, 30 और नेगेटिव में -10, -20, -30 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। इधर हमने क्या लिए हैं, सेविंग्स और डेफिसिट, क्योंकि हम लोगों को हमेशा इसको वर्टिकली बनाना है, और यहाँ पे ईयर लूँगा, ठीक है जी। अब ईयर अभी नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर नीचे लिखा जाएगा वो, जैसे सबसे पहले 2012 में 30 पॉजिटिव है, तो 30 पॉजिटिव है तो मैं 2012 यहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसने ऊपर ही जाना है, ये हमारा 2012 का बन गया। 13 में डेफिसिट चला गया, -20 का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं मुझे जाना है नीचे -20, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा 2013, ठीक हो गया। 2014 में 10 पॉजिटिव, तो इस तरीके से 2014 दिखा दिया।
2015 में 15 पॉजिटिव, अब तो पॉजिटिव शब्द से भी डर लगने लग गया है। 2015 में 15 पॉजिटिव, 2016 में 25 नेगेटिव, 16 में 25 नेगेटिव, तो इसको नीचे ले जाओ, 25 यही होना चाहिए बस। इस तरीके से 2016 में ये 25 आया ना सीधा सीधा, 20 25 यहाँ कहीं बीच में होगा, 20 यहाँ होगा, साइड से साफ दिखता भी नहीं है ये, इस तरीके तुम लोग स्केल से प्लॉट करना प्रॉपर। उसके बाद 2017 में 20, 2017 में 20 पॉजिटिव लगभग यहाँ, ये मैंने 2017 में पॉजिटिव ले लिया। तो इस तरीके का जो कर्व होता है, जो डेविएट करता है पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी, ऊपर नीचे दोनों एक्सिस पे चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द डेविएशन बार डायग्राम। तो ये थे हमारे पास पांच तरीके के डायग्राम्स, बार डायग्राम्स जो मैंने आपको सिखाए, और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में, इसी की अगली क्लास होगी जिसमें मैं आपको पाई डायग्राम सिखाऊंगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हिस्टोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा बार डायग्राम बना लिए, पांच के पांच बार डायग्राम्स मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, मैं अगली वीडियोज़ में वो कवर अप कर दूंगा। वीडियोज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, एफर्ट लगता है, लाइक कर दिया करो, एप्रिसिएशन फील होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में पहले पाई चार्ट करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट चैप्टर में से हिस्टोग्राम शुरू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।